हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल पे। मैं सौरभ पांडे आज से आपकी NCERT पैटर्न की जो सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। NCERT पैटर्न की सीरीज में हम बेसिकली चार विषय एकदम शुरू से कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 की किताबों की समरी, एक एक चैप्टर का निचोड़ पूरी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और ये चीज़ें आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं NCERT को तो यहाँ पर संविधान से हम शुरू करेंगे, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से, है ना। संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप इनमें से बहुत सी चीजें पहले से जानते हैं और बहुत सी चीजें होंगी जो आप अब जानेंगे। तो यहां पर कुल कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर 1, यानी जहां से संविधान शुरू होता है वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप लोग देखेंगे दोस्तों कि संविधान क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति को दर्शाने वाला सरकार का एक ढांचा है। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी स्वतंत्र देश की एक कानून व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उस देश का कानून, नियम, कायदे बनाए जाते हैं और वहां की जनता उन चीजों का पालन करती है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में अगर हम बात करें तो संविधान किसी भी सरकार के कार्य करने की एक प्रणाली होती है, ठीक है, और उसी प्रणाली के अंतर्गत वो सरकार काम करती है। तो पॉइंट नंबर 1 में हम देखेंगे, NCERT का जो पॉइंट नंबर 1 है ये बताता है कि संविधान हर स्वतंत्र देश बनाता है, जनता पर शासन किया जाता है संविधान के थ्रू। इसका मुख्य अंग, ये बहुत जरूरी है पॉइंट 1 का, कि इसका मुख्य अंग है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन सरकार के मुख्य अंग हैं, ठीक है, जिनकी व्यवस्था करता है कौन, संविधान। संविधान ना केवल आपके अधिकारों की परिभाषा देता है, अधिकारों को परिभाषित करता है, बल्कि उसके उत्तरदायित्व को भी सुनिश्चित करता है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। तो छोटे छोटे बच्चों को हम संविधान के विषय में ऐसे सिखा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आप लोग जान लीजिए कि ये तीन अंग कौन से, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो पारस्परिक संबंध है, इसको जनता से संबंध स्थापित करता है कौन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, देखिए आपकी स्क्रीन पर होगा पॉइंट नंबर 2, ठीक है। संक्षेप में संविधान क्या है, ये एक मौलिक कानूनी आलेख है। अगर हम बात करें संक्षेप में तो संविधान क्या है, एक मौलिक कानूनी आलेख है जिसके अनुसार किसी भी देश की सरकार काम करती है। मौलिक रूप से एक कानूनी आलेख है, ठीक है, और संविधान देश के सभी नियमों से श्रेष्ठ होता है। संविधान जो है वो देश के चाहे जितने नियम हों, सभी नियमों से जो संविधान है वो टॉप पर होता है। प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून संविधान के हिसाब से ही होना चाहिए, है ना, सबको बराबर। देखिए, संविधान तीन चीजों पे काम करता है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, है ना। तो इन तीन चीजों पर ये संवैधानिक मूल्य हैं, ये स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता, और चौथे, अगर हम चौथे चीज की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में संविधान एक लिखित कानून है जिसे आप बेसिक लॉ या आधारभूत कानून भी कह सकते हो, ये बेसिक लॉ भी कहा जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए, संविधान एक आलेख मात्र ही नहीं है बल्कि ये क्रियाशील संस्थाओं की आवश्यकता, अपेक्षा, और इनके साथ निरंतर ये डेवलप भी होता रहता है। आप देखेंगे कि संविधान में बहुत सारी चीजें बदली भी जाती हैं। संविधान की सार्थकता और विषय वस्तु इसके क्रियान्वयन के तरीके क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है।
तो इस प्रकार संविधान एक जीवित आलेख के रूप में भी आप संविधान को स्वीकार कर सकते हैं कि भाई ये एक जीवित आलेख है, ठीक है, इसे इसीलिए हाईलाइट कर दिया गया है यहां पर। चौथा क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति है। संविधान क्या है? अंग्रेजी भाषा के कॉन्स्टिट्यूशन शब्द से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द की उत्पत्ति है संविधान, और ये लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है शासन करने वाला सिद्धांत। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ? शासन करने वाला सिद्धांत, ये इसका अर्थ हुआ। तो पॉइंट नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए इस पर, ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? देश का शासन जिन नियम से, जिन सिद्धांत के अनुसार चलता है, उसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है। चलिए, संविधान उन कानून के या नियम के समूह को कहते हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट राज्य की सर्वोच्च सत्ता की शक्ति के वितरण और प्रयोग को निश्चित करता है। आज के समय में लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है, देख लीजिए। लिखित संविधान, सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है? मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भाई सर्वप्रथम लिखित संविधान किसका है, तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ये 17 सितंबर 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन के बाद बनाया गया, जो कि 21 जून 1788 को लागू हुआ। तो ये डेट, ये पॉइंट अगर आप लोग लिख लेते हो, इसे याद कर लेते हो, तो भाई सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये कि आधुनिक युग में सबसे पहले लिखित संविधान किसका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। 17 सितंबर 1787 फिलाडेल्फिया सम्मेलन, ये डेट याद कर लो, और लागू हुआ 21 जून 1788 को अमेरिका में ये संविधान जो है वो लागू हो गया, ठीक है। तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। यूरोप में सर्वप्रथम संविधान नीदरलैंड में बना। अब चलिए देखिए, यहां पर यूरोप की अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम संविधान जो है वो नीदरलैंड में बना, जो वर्तमान में भी विद्यमान है। ये पॉइंट भी बहुत जरूरी है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बस जो निचोड़ है 25-30 पॉइंट का, उसमें से क्या चीजें आपको समझनी है और याद रखनी है हमेशा के लिए। देखिए, कुछ चीजें आपको समझने की होती है, कुछ चीजें आप हमेशा के लिए याद रखते हो, जिससे कि आने वाले एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उस प्रश्न का एकदम सही सही और सटीक जवाब दे सको। देखिए, सामग्री एलिजाबेथ का एक राजलेख था, 1600 का राजलेख में ईस्ट इंडिया कंपनी EIC स्थापित हुई। किसका राजलेख था ये? साम्राज्ञी एलिजाबेथ का। रॉयल चार्टर से पूर्वी देशों से व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, ठीक है। इनको क्या अधिकार दिया गया कि भाई जाइए आप और पूर्वी देशों में आपको व्यापार का, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी शासन करने के उद्देश्य से पूर्वी देशों की तरफ से साम्राज्यवाद की दृष्टि से नहीं बढ़ी। उसका जो उद्देश्य था वो था व्यापार करने का एकाधिकार मिला था। बाद में उन्होंने अपना साम्राज्यवाद स्थापित किया, स्थितियों को देखते हुए, जानते हुए चीजों को अपना विस्तृत किया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रबंध एक गवर्नर 24 सदस्यों के द्वारा होता था, याद रखिएगा, 24 मेंबर्स के द्वारा होता था, 24 सदस्यों के द्वारा। इस कंपनी के प्रशासन के लिए विधि बनाने और दंड प्रदान करने की कुछ शक्तियां प्राप्त ही, ठीक है। इस कंपनी के प्रशासन को विधि बनाने के लिए और लोगों को दंड प्रदान करने के लिए कुछ शक्तियां प्राप्त थी। तो इतना जान लीजिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां से संविधान की नींव रखी गई। इसके बाद देखिए यहां पर क्या कह रहा है, ये चीज जो है, इसके पश्चात 1609, 1615 और 1626 तीन चार्टर एक्ट हुए, ठीक है। 1609, 1615 और 1626, इसके चार्टर द्वारा भी सम्राट जेम्स प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई, यानी विकास कर दिया गया, शक्तियों को और बढ़ा दिया गया,
ठीक है, ये तीन डेट्स याद रखिएगा। 1661 के राजलेख से कंपनी को फैक्ट्री में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए दीवानी और फौजदारी का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर 10। यहां तक आपने ये देखा कि भाई 1600, 1615, 1626 का चार्टर द्वारा, अब इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये था क्या। ठीक है, यहां से देखिए 1626 का जो राजलेख था यानी चार्टर एक्ट था, आज्ञा पत्र था 1626 वाला, ये क्या था, 24 सितंबर 1726, ठीक है याद रखिएगा, 1726 का जो चार्टर एक्ट था ये कलकत्ता मद्रास बंबई में निगम की स्थापना किया। ठीक है, निगम आप समझ रहे हो ना, नगर निगम, तो इसने जो है निगम की स्थापना की कहां पर, कलकत्ता मद्रास और बंबई में निगम की स्थापना की। ब्रिटिश सम्राट द्वारा बंबई कलकत्ता मद्रास में मेयर कोर्ट भी स्थापित किए गए, कंपनी के स्वयं के लिए विधि निर्माण की शक्ति दी गई। अब कंपनी स्वयं के लिए विधि यानी कानून का निर्माण की शक्ति भी कंपनी को दी गई, तो ये पॉइंट नंबर 11 है। ठीक है, तो दोस्तों पॉइंट नंबर 12, 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब का प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया गया हराकर, यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो गई 1757 में। ठीक है, अगस्त, अब 1757 प्लासी का युद्ध आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके ठीक 100 साल पहले की घटना, 1757 1857, और फिर 90 साल बाद 1947। कितना कोइंसिडेंस है, इन डेट्स को आप आसानी से याद कर सकते हो कि 1757 प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला ये हार गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में स्थापित हो गई शासन स्तर पर। अब मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पर चलिए कंपनी के नवाब देख लीजिए। कंपनी के नवाब का द्वैध शासन 1765 से 1772 तक रहा, द्वैध शासन ये भी याद रखिए। ठीक है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, कब, 1772 में। ठीक है, तो यहां पर जो है इसके बाद देखिए, ये देखिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली। अब उन घटनाओं के बाद पॉइंट नंबर 15 क्या कह रहा है, पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली क्या है। वो तो थी पिछली घटनाएं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे स्थापित हुई, क्या क्या मेन चीजें जो शामिल हैं कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में, वो चीजें हमने डाली चैप्टर 1 की। इसके बाद आप देखोगे बच्चों को पढ़ाना होगा पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली, इसके अंतर्गत किसी देश या क्षेत्र के निर्वाचक मंडल को अलग अलग मतदाता समूह में बांटा जाता है। कैसे, अलग अलग मतदाता समूह में बांट दिया जाता है, ये समूह धर्म, जाति, लिंग, व्यवसाय के आधार पर बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक मतदाता समूह केवल अपने समुदाय से जुड़े प्रतिनिधि के लिए ही वोट करता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आप देख सकते हैं, पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली को लागू करने के पीछे ये तर्क दिया कि अल्पसंख्यक वर्गों को सरकार में उचित प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ऐसा वर्ग जिनकी संख्या बहुत थोड़ी है, सरकार में इनको जो है उचित रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ठीक है, और जबकि उसकी मूल इच्छा इसके द्वारा समाज को बांटने की थी, यानी समाज कैसे बटेगा, एक वर्ग जो मान लीजिए कि 100 में 90 लोगों का एक वर्ग है और 100 में 10 लोगों का एक वर्ग है, अब इनको अलग कर दिया, इन 90 को अलग कर दिया, तो ये समाज क्या हुआ, ये बट गया। अब ये जो 10 वाले ये कभी 90 वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि संविधान क्या कहता है, संविधान इन 90 और इन 10
दोनों के हितों का ख्याल रखता है कि ये 10 ज्यादा दबाए ना जाएं, कुचले ना जाएं, इनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए। ये 10 हैं तो इनकी संख्या को मतलब जो है बढ़ाने के लिए नई नई योजनाएं प्रोवाइड करवाई जाए। तो ये काम जो है संविधान करता है, जो आज की प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसके मूल्य जो है ये करवाते हैं, ठीक है। फिर 1930 और 32, अगले पॉइंट पर आते हैं, बोलमेज सम्मेलन 1930 और 32 में डॉक्टर अंबेडकर की मांग पर अंग्रेजों के द्वारा दलित के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली कम्युनल आर्ट की घोषणा हो गई। कब? अब सोचिए कि कितना देर बाद, अभी आजादी नहीं हुई है, 1930-32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया कि भीमराव अंबेडकर की मांग थी और इस पर अंग्रेजों ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली इसी घोषणा कर दी। ये पॉइंट अब जरूरी है, पहली बात तो गोलमेज सम्मेलन, दूसरी बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मांग और पृथक निर्वाचक मंडल प्रणाली की घोषणा होना। तो ये तीन पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। महात्मा गांधी के तीव्र विरोध के बाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच जो पूना पैक्ट हुआ, अब यहां पर देखिए महात्मा गांधी का तीव्र विरोध और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ और दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल वो हटाकर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई। अब देखिए महात्मा गांधी ने उस चीज का विरोध किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच और गांधी जी के बीच एक पूना पैक्ट हुआ जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की प्रणाली हटा दी गई। पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली में आपने जान लिया ना कि अपनी जाति धर्म समुदाय के आधार पर जो वोट करने की शक्ति होती थी, अब यहां पर आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा हुई। अब इसका मतलब क्या हुआ, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या है? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यह है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र जिस समुदाय के लिए आरक्षित है, यानी किसी एक विशेष समुदाय के लिए अगर वो आरक्षित रिजर्व है तो वहां से केवल उसी समुदाय का व्यक्ति, केवल उसी समुदाय का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है, समझ गए। लेकिन उसे वोट देने का अधिकार उस निर्वाचन क्षेत्र के समस्त निर्वाचक मंडल मतदाता को होगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई एक क्षेत्र है, कोई तहसील है, ठीक है, अब कोई तहसील है उसकी सीट जो है वो विधायक के लिए रिजर्व कर दी गई कि भाई बैकवर्ड सीट होगी या अनुसूचित जाति सीट होगी। अब इस सीट को रिजर्व करने के बाद क्या चीज नोटिस की गई, देखिए कि भाई उस तहसील के अंतर्गत जितने जनरल होंगे, ओबीसी होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, सारे वोट तो करेंगे, लेकिन जो कैंडिडेट होंगे वो केवल उसी विशेष वर्ग से होंगे। जैसे अगर एससी आरक्षित सीट है तो केवल अनुसूचित जाति या जो भी जिस जाति के लिए, जिस वर्ग के लिए सीट आरक्षित की गई, या सामान्य के लिए, वैसे सामान्य के लिए रिजर्व नहीं होती है, सामान्य में सभी रहते हैं, किसी विशेष वर्ग यानी बैकवर्ड या एससी के लिए अगर सीट रिजर्व हुई है तो कैंडिडेट घर उसी वर्ग का होगा, बाकी मतदाता सभी वर्गों के होंगे, ठीक है। तो ये चीज है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की बात। चलिए अगला देखिए, 19वां पॉइंट कह रहा है पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली और आरक्षण प्रणाली के बीच में अंतर है। अगर दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जाता है तो इसका अर्थ है यहां से केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ पाएगा, लेकिन वोट देने का जो अधिकार है ये यहाँ के सभी मतदाताओं को होगा। यदि दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है और उससे हिंदू और मुस्लिम दो निर्वाचक मंडल में विभक्त कर दिया जाए तो वहां हिंदू और मुस्लिम दो जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। समझिए बात को, वोट देने का अधिकार सभी सदस्य सभी मतदाता को है, लेकिन पृथक निर्वाचन मंडल प्रणाली के अंतर्गत चुनाव होता है, हिंदू और मुस्लिम दो निर्वाचक मंडल अलग कर दिया जाए तो हिंदू और मुस्लिम दो जनप्रतिनिधि यहाँ पर चुने जाएंगे। हिंदू प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार सिर्फ हिंदू निर्वाचक मंडल के सदस्यों को होगा, ठीक है, और मुस्लिम प्रतिनिधि को वोट देने का अधिकार सिर्फ मुस्लिम निर्वाचक मंडल के सदस्यों को होगा। तो यह है निर्वाचन मंडल प्रणाली। इसके बाद
पिट्स इंडिया एक्ट को समझते हैं। What is PITS India Act? इसका भी एक पॉइंट आपको तैयार कर लीजिए। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को विभाजित कर दिया गया, यानी इनका एक व्यापार वाला भाई बिजनेस वाला एक क्षेत्र था, क्या था, बिजनेस वाला क्षेत्र था जिसमें ये अपना व्यापार कारखाना उद्योग धंधा, और एक इनका राजनीतिक कार्य था। राजनीतिक कार्य क्या डील करता था? राजनीतिक कार्य डील करता था कानून व्यवस्था, किसको कितना अधिकार देना है, न्याय व्यवस्था, ये राजनीतिक कार्यों का काम था। कंपनी के व्यापारिक कार्यों का प्रबंध कंपनी के ही निर्देशन के हाथ में रहा, लेकिन राजनीतिक ट्रिब्यूनल के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी बीओसी के सदस्यों को नियुक्त करके सम्राट करता था, ठीक है, यानी जो उस समय का सम्राट होता था वो बीओसी के सदस्यों की नियुक्ति करता था। इज दैट क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं देश के शासन को वास्तविक अधिकार इसके इंग्लैंड के 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष को हस्तांतरित कर दिया गया। खैर ये पॉइंट उतना ज्यादा होने, यहां पर देखिए दोहरी नियंत्रण प्रणाली ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दोहरी नियंत्रण प्रणाली में क्या हुआ, कंपनी का निर्देशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट भारतीय उपनिवेश शासित होता था। इस लाइन का समझ में आया आपको? सोचो दोहरी नियंत्रण प्रणाली यानी दो नियंत्रण, एक व्यापारिक एक राजनीतिक, दो नियंत्रण प्रणाली। तो पहला कंपनी का निर्देशक बोर्ड और दूसरा नियंत्रण क्या था, सम्राट भारतीय उपनिवेश शासित होता था। तो ये दो लोग मिलकर के कंट्रोल करते थे कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य के क्षेत्र पर ब्रिटिश क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन के स्वामित्व के दावे के प्रथम वैधानिक दस्तावेज था। अब ये लाइन थोड़ा सा आपको कठिन, क्योंकि ये सिविल सर्विसेज वाली लाइन है, ठीक है, समझिए। कंपनी के द्वारा अधिग्रहित यानी कंपनी के द्वारा जिस पर अधिग्रहण था, जिस पर कंपनी का कब्जा था भारतीय राज्य क्षेत्र पर, जो भारतीय राज्य के क्षेत्र थे, ब्रिटिश ताज क्राउन के स्वामित्व के दावे का प्रथम वैधानिक दस्तावेज था, क्या, दोहरी नियंत्रण प्रणाली के बाद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 23वां पॉइंट है कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को प्रथम बार यानी पहली बार में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। अगले 20 साल के लिए भारतीय प्रदेशों पर राजस्व नियंत्रण का अधिकार लेखांकन की व्यवस्था की गई, ठीक है, ये कंपनी के अधीन क्षेत्रों की बात हो रही है। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा, ठीक है, कंपनी का कर्मचारी उपहार नहीं ले सकता था, ठीक है। अब इसके बाद आया आपका महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यानी प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया। 1 नवंबर 1858 को भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। कहां पढ़ा गया? इलाहाबाद में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे इसे भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा, जी हाँ दोस्तों, अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। किसको? महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र जो कि 1858 यानी 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद कंपनी का अधिकार जो है वो ब्रिटिश क्राउन को चला गया। तो विक्टोरिया का घोषणा पत्र आया ये उसी के संबंध में, ठीक है। अब इसके द्वारा क्या कहा गया, इसके द्वारा घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार भारत में राज्य विस्तार की नीति का परित्याग करेगी। ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? भारत में राज्य विस्तार नीति का परित्याग कर देगी, ठीक है, और भारतीय राजाओं के अधिकार सम्मान स्वायत्तता की रक्षा की जाएगी। ब्रिटिश सरकार क्या करेगी? अपनी राज्य विस्तार नीति को रोकेगी। क्या करेंगे कि हम जो अपना राज्य फैलाते चले जा रहे हैं इस चीज को अब हम रोकेंगे। और क्या करेंगे, जो भारतीय राजा थे उस समय के, मतलब 1857 के बाद के झांसी की रानी वगैरह के बाद जो राजा थे उनके अधिकार सम्मान स्वायत्तता की रक्षा करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति हो गई थी, हमको अपना व्यापार भी चलाना है। तो अंग्रेज लोग ना बड़े दिमागदार होते थे, ये क्या करते थे कि बेटा हमको व्यापार के लिए ही अब जगह दो, तुम, हम तुम्हारे शासन में नहीं घुसेंगे, तो राजा हो तुम्हारी जय है, अब तारीफ करके फूट डाल के हम आपके अधिकारों की रक्षा हम करेंगे। देखिए यहां पर
रक्षा की जाएगी। सरकार भारतीयों के धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। अच्छा, क्यों ऐसा करने पर मजबूर ये क्यों है सोचा? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप अगर सरकार करेगी तो जनता क्या होगी, भड़क जाएगी। हम भाई क्यों करें तुम्हारा काम, तुम हमारे भगवान की इज्जत नहीं करोगे तो हम तुम्हारी फैक्ट्री में काम करेंगे। विरोध होता है ना, आज भी देख लीजिए क्या सरकार का विरोध, सरकार के कार्यों का विरोध धार्मिक आधार पर नहीं होता, भले हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हैं। तो ये चीज है, ठीक है। भारतीय क्षेत्रों के लिए कानून बनाते समय भारत की धार्मिक सामाजिक प्रथाओं को मान्यता दी जाएगी, यानी हमारी जो मान्यता है, हमारे जो विचार है, संस्कार है, उनकी वो लोग इज्जत करेंगे। ये पूरा जो है विक्टोरिया ने अपना जो है घोषणा पत्र तैयार किया। ऐसे भारत के सभी ब्रिटिश तथा भारतीय निवासियों को कानून के समक्ष समता तथा समान संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। सभी निवासियों को नौकरी में योग्यता के आधार पर स्थान दिए जाने के लिए वचनबद्ध किया गया। देखिए बातें तो इसमें बड़ी बड़ी की गई कि भाई हम आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपके राज्य शासन में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपकी कानून व्यवस्था में इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आपको योग्यता के आधार पर। लेकिन हर चीज में क्या था, हम। हर चीज में कौन था, हम यहां है, मतलब मेरा धर्म है तो उसकी रक्षा करने वाले होते कौन होते। लेकिन यहां पर ये हम था, और ये हम कौन थे, ताज था, ब्रिटिश ताज, ठीक है। फिर इसके बाद चार्टर एक्ट आया 1793 का चार्टर एक्ट। खैर ये तो मैं आपको बता दिया 1793, ये तो बैक डेट में चले गए, हम लोग विक्टोरिया के उसमें थे, ठीक है। तो यहां पर विक्टोरिया के बाद अगर आप देखें तो चीजें घोषणा पत्र के बाद काफी क्लियर हुई और आजादी की तरफ धीरे धीरे चीजें बढ़ी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इतना पॉइंट्स जो है आपके लिए जरूरी था, जो फिलहाल मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सब चार्टर एक्ट वगैरह जो चीजें अनइम्पॉर्टेंट है उन्हें स्किप कर दिया जाए, उनको वो करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब फिलहाल आप इस वीडियो में इतना समझिए कि संविधान क्या था, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, कैसे बना, कैसे सिचुएशंस क्रिएट हुई। फिर मेन चीज होती है संविधान के आर्टिकल्स, संविधान के पार्ट्स, ठीक है। ये सारी चीजें, कौन से आर्टिकल में कौन सा अधिकार क्षेत्र सुरक्षित है, कैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है, बच्चों को इसकी जानकारी हम कैसे देंगे, ये सारी चीज आपको अब देखती है। तो हमारा अगला जो लेक्चर होगा उसमें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब फिलहाल मैं समराइज करके चीजों को आपको देने वाला हूँ, और हमारा पर्यावरण पर भी जो लेक्चर होगा वो वेरी सून स्टार्ट होगा। डेली रात में 9 बजे अगर आप तैयार रहेंगे तो 9 बजे आपको क्रिमिनल लाइव वीडियो मिलेगा, जिसमें आप जो है अपनी एनसीईआरटी की फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और एग्जाम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही लाइव क्लासेस के लिए हम आपको अमेजिंग क्लासेस देंगे, ये सारे पॉइंट्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।